इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो है बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट आइकन पैक्स। तो इस वीडियो में मैं जिस 3 आइकन पैक्स के बारे में बताने वाला हूँ वो उनमें से कोई भी पेड नहीं है, बिल्कुल आप जो है फ्री में उन्हें यूज़ कर सकते हैं एंड अपना जो है स्मार्टफोन का पूरा लुक जो है वो बदल सकते हैं उन आइकन पैक्स के थ्रू। वैसे जो इस वीडियो को देखने के बाद उन तीनों में से कोई भी आइकन पैक आप यूज़ करना चाहें तो वो आप जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले जो आइकन पैक है उसका नाम है वर्टिकन्स। तो यहाँ पर जो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो इसका यहाँ पर जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पर आपके आइकन्स को जो है आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वो जो है वर्टिकल बना देगा। तो ये जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ आपको देखने को मिलता है आइकन पैक। एंड यहाँ पर जो है आप आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है फोल्डर्स, एप्लीकेशंस, APK वगैरह सबका जो है अलग अलग यहाँ पर जो है आइकन पैक्स वगैरह रहता है। एंड यहाँ पर वैसे आप जो है ऑल आइकन्स वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस एंड गेम्स वगैरह सबका जो है यहाँ पर आइकन्स जो है वो वर्टिकली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो अच्छी बात यह है कि आप सर्च भी कर सकते हैं एंड कंफर्म कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन जिसका आप देखना चाहें कि उसका यहाँ पर आइकन अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब सर्च किया एंड व्हाट्सएप भी यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर जो है आइकन जो है मिल गया है। इसी तरीके से आप जो है ये चीज़ चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आइकन पैक है उसका नाम है मिनमा आइकन पैक। तो ये जो है यहाँ पर सबसे आगे जो जैसे ओपन होगा तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको ट्यूटोरियल स्किप करना है एंड उसके बाद यहाँ पर जो है जितने भी आइकन्स अवेलेबल हैं इस एप्लीकेशन में उसका जो है नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो है कम ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल जब नए आइकन्स वगैरह जो है आएंगे इसमें। तो यहाँ पर आप सर्च वगैरह भी जो इसमें भी करना चाहें तो वो बिल्कुल आपको अवेलेबल मिलता है। वैसे जो इसका आइकन पैक जो है इसमें आइकन्स वगैरह काफ़ी डिफरेंट एंड बहुत ही अच्छे देखने में आपको लगेंगे जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेम वगैरह का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड अगर आप जो है जाएं दूसरे सेक्शन में जहाँ पर आपको जो है लॉन्चर की बात आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंस्टॉल्ड लॉन्चर जो कि पोको स्मार्टफोन है उसके लिए बाई डिफॉल्ट यही लॉन्चर पहले से एंड सपोर्टेड लॉन्चर्स आप देख सकते हैं उसका लिस्ट देखने को मिलेगा। एंड आपको जो है देख सकते हैं कि बहुत ही सारे सपोर्टेड लॉन्चर्स, तो ये काफ़ी एडवांटेज इसमें आपको देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत सारे जो है लॉन्चर्स में आएंगे उनमें से कोई एक आपको इंस्टॉल करना है अगर आपके पास पहले से नहीं है एंड उसके बाद आप जो इसकी मदद से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है आइकन पैक की तरफ जिसका नाम है वाइकन्स। तो यहाँ पर जो है आप नाम से यहाँ पर थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर जो आइकन्स इस एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिलेंगे ये जो है वाइट कलर के सारे आइकन्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी जो है कुछ यूनिक टाइप ऑफ आइकन पैक आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलेक्शन भी जो है वो काफ़ी सारा एंड छोटे से छोटे एप्लीकेशन का भी आइकन पैक देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो है इसका आइकन्स जो है बहुत ही सारा वेराइटी आपको देखने को मिलता है सारे जो है वाइट कलर में एंड छोटे छोटे एप्लीकेशन के भी यहाँ पर आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे जो कि इसमें अच्छी बात है। साथ ही साथ एडिशनल फीचर जो कि है वो है वॉलपेपर भी आप ऐड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। तो ये भी आपको जो है एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर आप आइकन्स के साथ साथ जो है वॉलपेपर वगैरह जो है वो भी ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ही जो है कलेक्शन आपको जो है वॉलपेपर्स का वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इनमें से वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि डार्क आप लगाएं तो वाइट कलर के आइकन्स जो है वो अच्छे से आपको देखने को लगे मिलेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं जो सपोर्टेड लॉन्चर्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इंस्टॉल रहेंगे वो कलरफुल आएगा। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है यहाँ पर नोवा पर टैप करूँगा तो नोवा पर टैप करने के बाद इसके बाद आपको जो है ओके पर टैप करना है एंड ये डायरेक्टली आपको प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएगा लॉन्चर, यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद आइकन्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो अपने एंड्रॉयड सेटअप में कोई भी यूज़ करना चाहते हैं आइकन पैक जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है तो आप जो है जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे फ्यूचर में ऐसे और भी एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।